स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से, और अभी मैं पीछे आपने देख के पता चल गया होगा हम अभी खड़े हैं रानीबाग पुल पे, और हल्द्वानी को पीछे छोड़ के हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। बाकी आज बेटा साथ में नहीं आ रहा है, और मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाती हूँ गौला नदी का। चलिए तो ये है हल्द्वानी की गौला नदी। तो बरसात की वजह से देखिए इतना पानी बढ़ चुका है, और यहाँ पर आके ना मुझे अजीब सा भी होता है, क्योंकि एक घटना घटी थी बहुत साल पहले मेरी दोस्त के साथ, तब से मुझे सीन हमेशा याद रहता है, अजीब सा लगता है गौला नदी को देख के बरसातों में। और ये जब से नया पुल बना है ना काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन पुराना पुल भी अभी भी है। बहनी कैसा लग रहा है भैया के बिना? आज बेटा पहली बार वैश्य के बिना रहेगा, क्योंकि वैश्य तो बहुत रह चुकी है, उसके बिना आज वो रहेगा इसके बगैर। बाकी देखिए जो सेतु बनने में, पुल बनने में जो भी यहाँ पर अधिकारी लोग थे उनके नाम हैं ये, और ये है गोकुल। और ये खड़ी है हमारी अल्टो, आ जाओ बेटा। ये देखिए बरसातों की वजह से इतना पूरा गिर के नीचे आया है। शाम के बज चुके हैं 6 और हम पहुंचे हैं भीमतार। तो हम रुके हैं यहाँ पर डबल बर्नर पे, और यहाँ पर बैनी को लग गई है भूख, तो कर रहे हैं नाश्ता, थोड़ा सा देखते हैं क्या है अंदर। इंतजार नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे मोमोज, और देखने में इतने सुंदर हैं कि मैं पूछे, और खाने में कैसे होते हैं तो टेस्ट करके पता चलेगा, तो हम इनको करते हैं टेस्ट। तो जी मोमो की बनावट के साथ साथ मोमो का स्वाद भी बहुत ही टेस्टी है। कैसा है? बहुत ही यम्मी है, इसलिए हम एक प्लेट और मंगा रहे हैं, क्योंकि नया जी तो खाते नहीं है, पर हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं तो एक हाफ और मंगा रहे हैं। तो आ गई हमारी एक प्लेट और। ये तीसरी प्लेट भी खत्म हो गई है, और वैश्य को और खाना है, और खाना बहुत हो गया अब तो हम चल दिए अपने सफर की तरफ को आगे। चलिए तो जी हम खुटानी पे हैं, और खुटानी से हम आ चुके हैं
कुटानी से मुड़ के हम जाएंगे सीधे अपने गांव की तरफ को। तो ये रास्ता जाता है मोतिया पाथर पहाड़ पानी उखलकांडा नाई। तो इससे आपको पता चल गया होगा आज हम जा रहे हैं अपने गांव, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं और जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। और आपको पता ही है कि ज़्यादातर जाना हमें ही पड़ता है, गांव में कुछ भी अच्छे बुरे कार्यक्रम होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुके थे तो मैंने ऊपर को जाने की जिद करी, ऊपर को जा रहे हैं घूमने। बाकी फिर हम निकलते हैं 10-15 मिनट में यहाँ से गांव की तरफ को। चलिए तो जी हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। बाकी अभी अगर देर हो गई तो रास्ते में ही खाना खा लेंगे और श्रीमान जी तो नहीं खाते हैं, आपको पता ही है। तो चलते हैं और अब दिखा पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अब सीधे वहीं पहुँच के ही दिखाएंगे। विनायक है ना? हाँ ये विनायक। विनायक में कहाँ पर? ये ऊपर एडी मंदिर है। हाँ यो, ये लाइट दिख रही, देखो। हाँ, वो लाइट दिख रही वो मंदिर है वहाँ पे। अच्छा तो कल से शुरू हो जाएगा, कल से अगले संडे तक। हम हल्द्वानी भी रहते हैं, रामगढ़ भी रहते हैं, गांव हमारा भीड़ा पानी है। अभी गांव जा रहे हैं ना थोड़ा काम से, आना फिर बीच में आना। ठीक है, कितने दिन का है? 7 दिन का। तो कौन करा रहे हैं इसको? ये पंडित जी करा रहे हैं, हमारे भगत जी। भगत जी करा रहे हैं, मैं जानता हूँ। चलो ठीक है दी, बिल्कुल आएंगे। कहाँ पर है? ऊपर बांज के जो पहाड़ी दिख रही है सामने, जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है वहीं पर है। अच्छा वो जंगल के अंदर, तो वहाँ पर है एडजू का मंदिर ना? एडजू का मंदिर है और वहाँ पर है भागवत, कल से है कलश यात्रा, यानी कि आज है 5 तारीख। हमको एक नई चीज सुनने को मिली, अगर हम हल्द्वानी तो समय मिलेगा तो हम जरूर एक दिन भागवत में आएंगे, है ना? एक दिन टाइम निकाल के ब्लॉग के माध्यम से देखें विनायक में। विनायक में सामने विनायक, हमें अभी विनायक में है, विनायक में एडजू के मंदिर में हो रहा है भागवत। हाँ, जिसमें कल से कलश यात्रा है, 7 दिन 6 तारीख से हो रहा है भागवत, तो जरूर आइएगा। और कल कलश यात्रा है और आज है 5 तारीख। कल हम रिटर्न में क्या पता यहाँ पर शामिल हो जाए आते समय ना। चलिए तो चलते हैं आगे को सफर में। तो ये एक नई चीज सुनने को मिल गई, बहुत अच्छा लगा। हम पहुंच गए हैं सैर पाठक और टाइम हो गया है 8:15। और वैशु को यहाँ पर ठंडा लग चुका है इसलिए इसने स्वेटर वगैरह भी पहन लिए। बाकी हम यहाँ से ले रहे हैं सामान और रात को बड़ी अच्छी सी बजा रहे हैं यहाँ पर सैर पाठक में, सब चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। और बेनी को ठंड की वजह से ना उल्टी वगैरह तो आ नहीं रही है, पर बार बार इसको एहसास हो रहा है और ये सर बाहर निकाल निकाल के सर भी ठंडा कर दिया है। तो अभी हमें थोड़ा टाइम और लगेगा पहुंचने में। और श्रीमान जी दुकान में गए हैं उधर वाली, यहाँ से ले रहे हैं कुछ सामान। और बहनी ने भी मंगाई है अपने लिए किट कैट, है ना? तो हम यहाँ से कितना समय लगेगा देखते हैं। चलिए तो हम पहुंच गए हैं घर और चल रहा है हमारा खाना पीना। खाने में है आलू की सब्जी, आम का अचार, घर का घी और रोटियां, वो भी चूल्हे की रोटियां। तो बड़ा स्वादिष्ट सा भोजन हम लोग खा रहे हैं। तो बाकी मैंने ये दिखा रही है, देखो पहाड़ी मिठाई मैंने की मिश्री। तो हम लोग भोजन करते हैं, बाकी ब्लॉग को इतना ही रखते हैं और टाइम भी बहुत हो चुका है, रात हो गई है। तो हम लोग भोजन वगैरह करते हैं और हम कहाँ आए हैं ये सब आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। तो आप सभी को प्रणाम। Yeah, the card, yeah, the 100.